सबको नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को समझेंगे। यूएई कैसे बना, यूएई क्यों इम्पॉर्टेंट है, यूएई की लोकेशन क्या है और वह भारत के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम दुनिया के नक्शे की बात करें तो दुनिया के नक्शे पर जो मिडल ईस्ट, जब हम यूएस की तरफ से देखते हैं तो जो मिडल ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पर ये देश पड़ता है हमारा यूएई। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं। मिडल ईस्ट के अंदर टोटल हैं हमारे पास कंट्रीज़ हैं, क्या कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, ईरान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, साइप्रस, लेबनन, पैलेस्टाइन, इज़राइल। तो ये कंट्रीज हैं, ये मिडल ईस्ट के एरिया को हमारे धरती के नक्शे पर शो करती हैं। और आज हम जिस कंट्री की बात करेंगे, हम एक एक करके सब कंट्रीज को कवर करेंगे, लेकिन आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखेंगे तो जो आप लाल कलर से आप देख पा रहे होंगे तो वो हमारा जो है वो यूएई है। यूएई स्ट्रेट ऑफ हरमूस, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ के पास जो समुद्री इलाका है वहाँ पर ये देश है। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, वो बाउंड्री शेयर करता है, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बिल्कुल सामने की तरफ जो देश पड़ता है वो पड़ता है हमारे पास ईरान पड़ता है। तो ये है हमारे पास यूएई की जो लोकेशन है मिडल ईस्ट के अंदर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज के बिल्कुल पास में, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास देखिए, 1966 तक तो वहाँ पर ब्रिटेन ने राज कर रहा था। तब उस समय यूएई नाम का कोई देश नहीं था। होता क्या था, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अमीरात क्या होते हैं। जैसे हमारे यहाँ रियासतें होती थी तो उस टाइम पर वहाँ पर अमीरात होते थे। अमीरात का मतलब होता जहाँ पर एक आमिर जो हेड होता था वो उसको रूल करता था अपने एरिया को। छोटे छोटे एरिया होते थे, जैसे दुबई है, अबू धाबी है, तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज होते थे, वहाँ पर जो है आमिर उनके ऊपर राज करता था, वो रियासत उनकी राज करती थी वहाँ पर, और तब तक उनके ऊपर ब्रिटेन ही राज कर रहा था। लेकिन 1966 तक तो दुनिया को पता चल ही गया था कि अब ब्रिटेन सब देशों को छोड़ के जा रहा है, इंडिपेंडेंट करके जा रहा है। तो 2 दिसंबर 1971 को इनको आज़ादी मिल जाती है। और स्टार्टिंग में 6 अमीरात, अब अमीरात आपको समझ में आ गया होगा, तो 6 अमीरात, अबू धाबी, आजामान, दुबई, फुजराहिया, शारजा, अल कमान, ये सब मिलके 6 के 6 मिलकर बनाते हैं यूएई। तो 2 दिसंबर 1971 क्या हो गया, यूएई हो गया। उस समय 6 छोटे छोटे देश मिलकर एक देश को बड़ा बना देते हैं। और उसके बाद 10 जनवरी 1972 को फिर उसके साथ हमारा जुड़ जाता है रस अल खेम। तो टुल मिलाकर बन होते हैं और ये पूरा जो जोड़ने का काम होता है इन सब 7 अमीरात को, उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है शेख जैद बिन सुल्तान अल नहन को, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ यूएई। अब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास यूएई का नक्शा है, जिसमें अबू धाबी, दुबई आपने सुना होगा बहुत फेमस, अजमन, अल कुवान, शारजा, फुजहारा और आपका रस अल खमा। तो ये 7 जो हैं अमीरात मिलकर एक देश बनाते हैं यूएई, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे हिस्सों में रहेंगे तो इनको गवर्नेंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये 7 तो इकट्ठे हो जाते हैं और एक यूएई को बनाते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो दुबई है। इनके जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जैद अल नहन। अब देखिए यूएई क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया का 10% जो ऑयल का जो रिज़र्व है वो यूएई के पास है, और दुनिया की 5th लार्जेस्ट जो नेचुरल गैस का रिज़र्व है वो भी यूएई के पास ही है। तो इस मायने से ये बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन इनके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम एथनिक ग्रुप्स की बात करते हैं तो इसमें 20% तो अमीराती हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, और 35% इंडियंस हैं जो वहाँ पे गए हुए हैं।
फिर 15% पाकिस्तानी हैं, 11% बांग्लादेशी हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वहाँ के लोग हैं वो कौन हैं, इंडियंस हैं, जो उस पूरे देश को आज के समय में इतनी डेवलपमेंट तक लेके गए हैं। हर सेक्टर्स के अंदर इंडियंस जो हैं वहाँ पर अच्छा काम कर रही हैं। तो यूएई, मैं आपको 5-7 मिनट में समझाने में कामयाब रहूँगा कि यूएई जो है वो 7 अमीरातों से मिलकर एक कंट्री बना हुआ है, और वो 7 अमीरात आपके सामने हैं, अबू धाबी, शारजा, फुजारिया, दुबई, अजमन, उमकवाल और रस अल खैमा। और 2 दिसंबर 1971 6 अमीरात मिलके बने थे, और फिर 7वां बना 10 जनवरी 1972 को। ये था हमारे सामने दुनिया के नक्शे के ऊपर हमारा यूएई। तो ये है मिडल ईस्ट का मैप। अब हम एक एक करके सारी कंट्रीज़ को पढ़ेंगे, और हमारे एग्ज़ाम में बस हमारे को ब्रॉड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये पूछ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज़ के पास कौन सी कंट्री है एग्ज़ाम में, है ना, क्योंकि एसएससी वगैरह में तो यही क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन।